Hello friends, welcome in our new video of e-learning for all. Today we will continue our course Cascading Style Sheet, CSS. So friends, let's begin our today's content. The style tag. Inline style are a fast way of styling HTML, but they also have limitations. Inline style are a fast way of styling HTML, but they also have limitations. If you wanted to style, for example, multiple H1 elements, you would have to add inline styling to each element manually. If you want to style for example multiple H1 elements, you would have to add inline styling to each element manually. In addition, you would also have to maintain the HTML code when additional H1 elements are added. Fortunately, HTML allow you to write CSS code on its own section with style element. CSS can be written between opening and closing tag of styles. CSS can be written between opening and closing tag of style element. To use style element, it must be placed inside of
head element. Now I will show you the method how a style tag will be placed inside head tag. First, we will write the opening and closing tag of head / head. Then we will write the style tag between our head tag. So friends, this will be the method of our style tag. ये हमारा method होगा style tag का कि हम head tag के अंदर यानी कि इसके head tag की opening एंड closing tag के दरमियान हम लोगों ने अपना style tag लिखना है, style tag के opening closing braces को. Then फिर बीच में जो भी हम data लिखेंगे x, y, z वो तो आएगा अलग से, but method जो है वो हमारा इस तरीके से होगा. After coding style tag in head, you can begin writing CSS code. After coding style tag in head tag, you can begin writing CSS code. Now we will take an example of our style tag. So friends, this is our example. ये हमारी example है कि हम लोगों ने सबसे पहले head tag के opening and closing braces के दरमियान हम लोगों ने style add किया. And example के तौर पर हम लोगों ने सबसे पहले p यानी कि paragraph के दरमियान हम लोगों ने color equals to red and font size 20 pixel को हम लोगों ने इस तरीके से add किया. As an example मैं आपको समझा रहा हूँ, px का मतलब हमारा pixel है एंड कलर रेड. सो अब हम इस एग्जाम्पल की डिटेल में चलते हैं. द अबव कोड चेंजेस कलर ऑफ ऑल पैरा टैग्स टू रेड एंड ऑल्सो चेंजेस साइज टू 20 पिक्सल. द अबव कोड चेंजेस कलर ऑफ ऑल पैरा text to red and also changes size to 20 pixels. You can specify which element to apply the styling to. You can specify which element to apply the styling to. So friends, ये तो था आज का हमारा कंटेंट. आज हम लोगों ने एक नए टॉपिक को देखा, स्टाइल टैग. एंड मैंने आपको इसकी डिटेल में मैंने आपको स्टाइल टैग के बारे में समझाया कि स्टाइल टैग होता क्या है. इनलाइन स्टाइल आर अ फास्ट वे ऑफ स्टाइलिंग एचटीएमएल बट दे ऑल्सो हैव लिमिटेशन. इनलाइन स्टाइल ये बहुत फास्ट वे है जिससे हम अपने एचटीएमएल को स्टाइल कर सकते हैं, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं. इफ़ यू वांटेड टू स्टाइल फॉर एग्जांपल मल्टीपल H1 एलिमेंट्स, अगर हम मल्टीपल H1 एलिमेंट्स को जो है लेते हैं एज एन एग्जांपल के तौर पर, मैं आपको एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ. यू वुड हैव टू ऐड इनलाइन स्टाइलिंग टू ईच एलिमेंट मैनुअली. हमें ईच स्टाइल को मैनुअली जो है हमें वो स्टाइल करना पड़ेगा, यानी कि ईच एलिमेंट को हम लोगों को मैनुअली स्टाइल करना पड़ेगा. इन एडिशन यू वुड ऑल्सो हैव टू मेंटेन द HTML कोड, और इसके साथ साथ हम लोगों ने HTML कोड को भी मेंटेन करना होगा. फॉर्चुनेटली HTML अलाउ यू टू राइट CSS कोड ऑन इट्स ओन सेक्शन विद स्टाइल टैग. सो फिर हम लोगों ने स्टाइल टैग को देखा कि स्टाइल टैग क्या होता है. CSS कैन बिगिन राइटिंग बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, और CSS में स्टाइल को हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग की मदद से लिखते हैं, यानी कि ओपनिंग ऑफ स्टाइल एंड क्लोजिंग ऑफ स्टाइल टैग.
और ये हम प्लेस करते हैं अपने हैश टैग के अंदर। फिर मैंने आपको उसका मेथड समझाया कि हम हैश टैग इस तरीके से हैड के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के दरमियान हम स्टाइल के ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस को जो है लिखते हैं। दैन फिर अपना बीच में जो भी डेटा होगा मीटर डेटा वो लिखते हैं, अपने जितने भी कोड वगैरह। फिर मैंने आपको उसकी एग्जाम्पल लेकर समझाई। एज एन एग्जाम्पल मैंने कलर रेड एंड फ्रंट साइज इक्वल टू 20 पिक्सल लेके मैंने आपको समझाया। दैन फिर मैंने आपको उसी एग्जाम्पल की मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज का लेसन आपको समझ आया होगा। सो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड जितना हो सके आगे शेयर कीजिए ताकि जितने भी और लोगों को कन्फ्यूजन है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, सो हमारे चैनल से उनको फ़ायदा हो, हमारे लेसन से उनको भी फ़ायदा हो। सो फ्रेंड्स, हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।